वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा इनवॉल्ट्री टाइप्स इनवॉल्ट्री के टाइप्स देखे अनएम्प्लॉयमेंट के अब उसी के कंटेक्स में हमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइज ऑफ वर्क एंड करेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इंटरव्यू uh, में कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश करने के लिए और मेंस में कुछ आपको जब भी आप कोई बात कह रहे हो तो उसमें एक वजन डालने के लिए कुछ आंकड़े हैं बस आपका कुछ डेटा है जो कि आपको काम आ सकता है तो एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल फिफ्थ एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट ये काफी एक कॉम्प्रीहेंसिव लेवल पर सर्वे होता है लेकिन और बस इसकी दिक्कत ये है कि हर पांच साल में एक बार कंडक्ट होता है दिक्कत से अगर मैंने बोला कि इसकी दिक्कत है तो इसका ये फायदा भी है कि अगर ये हर पांच साल में एक बार कंडक्ट होता है तो आप ये भी समझ सकते हो ना कि बहुत कॉम्प्रीहेंसिव वे में कवर होता होगा अब अर्पित मुझे एक बात बताओ बिजमें एक बात बताओ अगर सेंसस हर दस साल में एक बार कंडक्ट होता है तो उसका मतलब बहुत कॉम्प्रेंसिव वे में होता है ना बार बार हमें सेंसस करने की क्या जरूरत है उसमें सारी चीजें डिटेल बहुत ज्यादा प्रोसीजरल वे में कर कर कोट कर दी जाती है नहीं कर दी जाती है कि नहीं डेटा के अनुसार आंकड़ों के अनुसार है कि नहीं ऐसी है हमारे देश में अगर रोजगारी और बेरोजगारी के ऊपर अगर कोई सर्वे रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आती है ना तो वो हर पाँच साल में यही आती है और ये फिफ्थ थी जो कि लास्ट टाइम पर कंडक्ट हुई थी 2015-16 में अब आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा ये सिक्स भी कंडक्ट हो जानी थी कोविड नाइन्टीन के चलते बहुत सारी चीजें डिले चल रही हैं जब हमारे सामने रिपोर्ट्स आएंगी या फिर हम कर, किसी करंट अफेयर मैगजीन में जैसे इसको आप पढ़ो कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो है तो आप कुछ कुछ डेटा जो है वो इधर उधर करके इसमें अपडेट कर लेना इंपॉर्टेंट बात यह कि इस रिपोर्ट के ऊपर मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा निकाली जाती है ठीक है एक तो ये वजन है इसके अंदर तो इसने हमें क्या पेश करा है इस रिपोर्ट ने अनएम्प्लॉयमेंट के बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं हमारे सामने देखते हैं तो उसके बाद ये हमें बोलता कि well method, है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एस पर द यूपीएस मेथड ठीक है यहां पर कुछ हमारे सामने आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि रूरल अर्बन के बेसिस पर और मेल और फीमेल के बेसिस पर मेथड हम लोग यूपीएससी यूज कर रहे हैं ठीक है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इस मेथड को आपको बोलना नहीं है ठीक है मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करने को दिखा देता हूं ये है दोस्तों आपका यूजल प्रिंसिपल स्टेटस मेथड जिसमें मैंने बताया था आपको एक पिछले एक साल तक जब से सर्वे कंडक्ट

ये तो एक दिन और कुछ घंटों वाला भी है ठीक है सी लेकिन सी और सी के कम्पेरिजन में ये जो यू है यूजल प्रिंसिपल स्टेटस है ये प्रीसीडिंग वन ईयर को देखता है अब अब इससे ज़्यादा बड़ा रेफरेंस पीरियड तो माना नहीं जाता इकोनॉमी में मैक्सिमम अगर कोई बेरोजगारी बेरोजगार बैठा होगा जो कि फिजिकली मेंटली फिट भी है काम भी करना चाह रहा है सब कुछ है उसके पास सारी और वो वर्किंग एज ग्रुप का पार्ट भी है पंद्रह से साठ साल का है तो अब ये जो सर्वे हर पांच साल में कंडक्ट होता है ना तो सबसे ज्यादा रेफरेंस पीरियड उन तीनों मेथड में, में यूपीएस का ही है ना है ना एक साल का एक साल से ज्यादा तो कोई पुराना नहीं है ना रेफरेंस रेफरेंसरियड जिसमें कोई ऐसा मेथड है नहीं है यूपीएस इसलिए यूपीएस लिया जाता है तो देख रहे हो यहां एक साल पिछले एक साल को देख लिया जाएगा और ये हर क्योंकि पांच साल में कंडक्ट होता है तो पता लग जाता है थोड़े से प्रिसाइज आंकड़े आ जाते हैं और ब्रॉडर लेवल पे आंकड़े आ जाते हैं ठीक है तो रूरल मतलब ऐसा नहीं है ये सिर्फ इसी मेथड को देखता है एक और बात मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है ये सिर्फ यूपीएस मेथड को ही देखता है यूपीएस मेथड के अकॉर्डिंग ये थोड़े से ब्रॉडर लेवल पे स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करने की कोशिश करता है मैं मैं ये बोलना चाह रहा हूं दूसरे मैथड्स को भी संज्ञान में लिया जाता है पांच साल में एक बार कंडक्ट हो रहा है तो चिट्ठे तो पूरे के पूरे सारे चीजों के खोल के रख देता है ए टू जेड लेकिन मैं उन सारे मेथड्स में से मैं यूपीएस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ यूपीएस थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे मैं पिक्चर दे देता है हालांकि वो बात एक यूपीएस की एक लिमिटेशन है जो कि हमने देखा था कि यार एक साल तक घर पे बैठने वाले लोग जो कि पंद्रह से साठ साल के हों विलिंग हो फिजिकली मेंटली फिट भी हो ऐसे लोग एक साल तक काम धंधा ना धूड़े ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है लेकिन ये फिर भी ब्रॉडर हाँ बहुत रेयर होते हैं सही बोला आपने लेकिन ये फिर भी ना जो बेरोजगारी के आंकड़े थोड़े से ब्रॉडर लेवल पर जाकर देता है कि ऐसे लोगों के अगर हम लोग आंकड़े निकालें तो ये बोलता है कि रूरल एरियाज में ये 2015-16 का डेटा है ठीक है जब करंट uh, गवर्नमेंट uh, पहली बार मतलब बनी थी 14 में इलेक्शन हुए और पंद्रह से फिर कार्यकाल संभाला एक साल लग जाता है सरकार को किसी को भी स्टेबिलिटी आने पर तो इन्होंने जब ये uh, सर्वे कंडक्ट करवाया तो उसमें कुछ आंकड़े हमारे सामने ये आए कि गाँव में यूपीएस मेथड के अकॉर्डिंग बेरोजगारी फाइव है ठीक है शहरों में 4.9 परसेंट है गांव में ज़्यादा दिख रही है और टोटल देश में जो है वो पाँच परसेंट है ठीक है उसके बाद मेल uh, की बात करें तो चार परसेंट लेकिन फीमेल का ऑब्बियसली बात है डबल से भी ज्यादा ठीक है डबल से भी ज्यादा एट पॉइंट सेवन परसेंट और टोटल ये फाइव परसेंट ये वाला अगर आप डेटा कोट कर कर अगर मेन्स के आंसर राइटिंग में जीएस पेपर थ्री में आ जाओ ना आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपके नंबर कहाँ बढ़ गए कैसे बढ़ गए आप खुद अचंभित हो जाओगे लोग जर्नल आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं आप किसी से भी पूछो लोगों के आंसर ही आते हैं अगर आप किसी टॉपर से पूछो ना साइंस सेंसेंडेकर से करनी है हमने मेन्स थ्री सिक्सटी फाइव करा था रियल एग्जाम कहाँ से निकल रहे हैं मेन्स थ्री सिक्सटी फाइव से मुझे भी बता दो जरा जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ था वो क्वेश्चन मतलब हवागिरी में हो गया वो क्वेश्चन सॉल्व ऐसी या फिर तुम्हारा लक फैक्टर बहुत अच्छा था सारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे ही ऊपर उपकार करने बैठे थे उसी दिन उस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि तो बहुत सारे लोग ये चीज़ रिवील मैं ये नहीं कह रहा कि करते नहीं है उनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या चीज वर्क कर गई है लेकिन हमें ये ब्लैक गेम नहीं खेलना है ये ट्रेडिंग नहीं करना है कि दूध बैंक निफ्टी बाय कर लिया बढ़ जा 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 बढ़ जा, बढ़ जा, और बढ़ बढ़ और गया तो सच में मतलब कूल बन रहे हैं पता है नहीं लॉजिक कि कैसे बढ़ गया लक फैक्टर के बेसिस पर ठीक है ट्रेडिंग और पढ़ाई बहुत सोच समझ के करी जाती है कैलकुलेशन का गेम होता है ठीक है लक फैक्टर का एंगल दोनों में लेकिन मेहनत से उस लक फैक्टर को खत्म करा जा सकता है फ्रॉम द एनालिस ऑफ द सेट रिपोर्ट इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया के अंदर ठीक है वो फिफ्टी पॉइंट फोर परसेंट है अभी इसको भूलना नहीं है ठीक है लेबर फोर्स में क्या होता है दोज पर्सन आर वर्किंग एज के और दोज आर विलिंग टू विलिंग टू वर्क ठीक है लेबर फोर्स को भूलना नहीं है इस डेफिनेशन को तो बार बार पेज पलटा पलटा के पीछे पीछे आते आते देखना ही है ये चीज़ कहाँ गई hmm. एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन एंड विलिंग टू वर्क वर्क फोर्स में जबकि क्या होता है ओनली एक्चुअली वर्किंग टू वर्क वाला एंगल यहां पर नहीं होता है ठीक है तो इसके पीछ, इसके पीछे बेसिस पर कुछ रेट निकाले जाते हैं हमने पढ़ा था देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एल एफ पी आर और डब्ल्यू एफ पी आर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे निकलेगा लेबर फोर्स सिंपली अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन टू हंड्रेड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलेगा वर्कफोर्स अपॉन टोटल टोटल पॉपुलेशन इनटू हंड्रेड वापस आ जाओ हाँ अब देख लो अब वापस आ जाओ इस पर ठीक है तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ठीक है ये कैसे निकला लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू हंड्रेड ये फिफ्टी पॉइंट फोर परसेंट है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये कैसे निकला वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू हंड्रेड फोर्टी 47.8 परसेंट है यानी कि यह आंकड़ा क्या रिवील करता है क्या रिवील करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग वर्किंग जो है, वो एस कंपेयर टू प्लस विलिंग वाले कम है, है ना ये कम है ना आंकड़ा वर्कफोर्स का और वर्कफोर्स क्या होता है कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भूलो मत शांत दिमाग से ठीक है वर्कफोर्स के अंदर एक्चुअल वर्क है मैं ये बोल रहा है देखो हो गई ना कंफ्यूजन की इसलिए बोल रहा हूं मैं लेबर फोर्स के अंदर दोनों तरह के लोग हैं जो काम करना भी चाह रहे हैं लेकिन अभी इनको काम मिला नहीं है लेकिन वर्क फोर्स के अंदर सिर्फ जो काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे ठीक है लेकिन उसमें बस वो वो नहीं आएगा ये बेगार थी ट्रेडर आएगा लेकिन कोई टेंशन नहीं है ठीक है <laughs> तो इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन जो है वो कम है एज कंपेयर टू एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग प्लस टू वर्क वो ज्यादा है तीन परसेंट लगभग ज्यादा है फिफ्टी पॉइंट फोर परसेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और 47.8 सेवन परसेंट वर्क पार्टिसिपेशन रेट है आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे कुछ पॉइंट बदलेंगे लेकिन अगर आपने यहाँ से स्टैटिक इस, इस बुक से मेहनत कर ली तो ऐसा नहीं है हमारे देश में कोई स्काई रॉकेट हो जाते हैं आंकड़े उसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको लोग पता है क्या लोग ये सोच के लर्न नहीं करते हैं कभी आंकड़ों को जब लेटेस्ट आएंगे तब लर्न करेंगे और लेटेस्ट वाले कभी किसी को कुछ ऐसा लर्न होता है नहीं कि एक साथ बैठ के बंदा एक एक दिन टाइम निकालता है आज मैं बैठ के सारे सब्जेक्ट्स के स्टैटिस्टिक्स याद करूंगा ऐसा नहीं होता है देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ बहुत सारी चीजें अगर आंकड़े रियल ग्राउंड पे बदलेंगे भी तो वो तो तभी दिखेंगे ना जनता को जब रिपोर्ट पब्लिश होएगी है ना और रिपोर्ट में भी क्या कोई प्रिसाइस चीज थोड़ी ना होती है जिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में आप बताओ जब सरकार की पेंट उतारी उतारी जाती है तो सरकार क्या कहने लग जाती है नहीं नहीं ये अच्छे वे में कंडक्ट नहीं हुआ है ठीक है इसके जो पैरामीटर्स हैं इस रिपोर्ट को कंडक्ट करने के या फिर जो भी इंडिकेटर्स यूज करे गए हैं वो बेकार हैं ठीक है और जब तारीफ हो जाए तो अपनी पीठ थपथपाना तो बड़े सारे रिपोर्ट्स के जो आंकड़े होते हैं ना वो समथिंग डेसिमल्स के बाद कुछ पॉइंट्स बदलते हैं बस आपके और कुछ नहीं बदलता है उससे फर्क नहीं पड़ता है और मैं तो इतना प्रिसाइज गेम खेलता ही नहीं हूं मैं अपने दिमाग पे पर लोड डालू मैं तो लिखता हूं अराउंड फिफ्टी परसेंट अराउंड फोर्टी सेवन परसेंट अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट पे भी खेलता हूं मैं तो ये चीज है तो ये चीज है कुछ ये बदलते हैं मैंने आपको बोला कि अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो ठीक है उसके बाद बात करते हैं अबाउट सेवेंटी परसेंट जो वर्कफोर्स है उसके अंदर हमें मर्दों की संख्या ज़्यादा दिखेगी मेल वर्कर्स सेवेंटी परसेंट जो वर्कफोर्स हैं वो हमें ओवरऑल एज कम्पेयर टू गांव और शहरों में गांव में ज़्यादा दिखेंगे ठीक है जो फीमेल वर्कफोर्स है गांव के अंदर गांव के अंदर अंदर मतलब कितनी जो महिलाएं हैं दो आर वर्किंग इट इज़ नियरली थर्टी परसेंट शहरों में इट इज़ नियरली ट्वेंटी परसेंट ठीक है अब ये थोड़ा सा चौंकाने वाला ये चीज़ लोगों को लग सकती है कि यार शहरों में तो यार हर बंदी कॉल सेंटर में काम कर रही है कोई जॉब कर रही है कोई एमएनसी जा रही है कोई पिज़्ज़ा हट डोमिनोज में नौकरियां कर रही हैं तो ये ऐसा क्यों शहरों में तो बंदियाँ ज़्यादा घूमते हुए दिख रही हैं कराट प्लेस से राजीव चौक से होते हुए करोल बाग से होते हुए यहाँ वहाँ शॉपिंग बैग लेते हुए कुछ ना कुछ वो काम कर रही हैं ऑफिस से निकल रही हैं बैंक में निकल रही हैं महिलाएँ हैं लड़कियाँ हैं कॉलेज पास आउट्स हैं इंटर्नशिप करने जा रही तो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए देखने में लगता है फीमेल वर्कफोर्स जो है ना रूरल एरियाज के अंदर वो एक्चुअली ठोस तरीके से एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्लस सम अमाउंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा महिला एम्प्लॉयड होती हैं और एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हमने देखी थी इसके बहुत सारे आंकड़े होते हैं कि कभी कभार अब वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है लेकिन लगेगा एम्प्लॉयमेंट ऐसा और जनसंख्या जो ज़्यादातर रहती है वर्करों की तो वो फीमेल वर्कर्स की बात कर रहा हूँ वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है और वो वर्कफोर्स जो कि एक्चुअली वर्किंग है शहरों में तो फिर आपको पता है ना कुछ कुछ घर पे ही पूरी ग्रेजुएशन डिग्री विग्री एम सब करने के बाद निबियाँ पड़ी हुई हैं घर पर है ना बारह बारह बजट सोकर उठ रही हैं जिसका कोई वो नहीं है बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई तो चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह दिन तक बिस्तर पर सो रहे हैं है ना तो ये दिखाने के लिए सिर्फ घर से बाहर निकलना काम नहीं कहते हैं वर्कफोर्स नहीं कहते हैं ठीक है ये एक्चुअल सर्वे अलग आंकड़ों पे अलग पैरामीटर्स पे कंडक्ट करा जाता है लेकिन हमें इतना नहीं जानना है कोई टेंशन नहीं है जो अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज के अंदर लेकिन फिर भी वो ज़्यादा है ठीक है बेरोजगारी गांव में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मेल्स जो बेरोजगारी है वो फीमेल्स के, के केस में ज्यादा है ठीक है और स्पेशली देखो चौंकाने वाला आंकड़ा अर्बन फीमेल्स के केस में ज्यादा है ठीक है और ये होता है भिकमंगे बॉयफ्रेंड्स की वजह से अब जो नेक्स्ट six, जो सिक्स एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो था रिपोर्ट रिपोर्ट जो थी वो रिलीज होने वाली थी दिसंबर 2018 में बट सरकार ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इसके इसको रिप्लेस कर कर एक नया सर्वे आया पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसके बारे में अक्सर आपने करंट अफेयर में सुना होगा इसको एन ने नेशनल स्टेट ऑफिस ने लॉन्च करा था तो सरकार ने ये जो एम्प्लॉयमेंट अनुप्लॉयमेंट सर्वे है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया अब आप पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर भी आंकड़े लिखकर आ सकते हो या फिर अगर आपको किसी एक मान लो कि एक डिकेडल कंपैरिजन देना है अब मैं मैं डिकेडल कंपैरिजन की बात मैं उनकी कर रहा हूं आप में से जो स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है उनका रिजल्ट 25 में जाकर निकलेगा तो एक डिकेड हो जाएगा इस सर्वे के कंपैरिजन में उनको तो वो एक डिकेड को लेते, लेते हुए ऊपर वाला डेटा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे का डेटा प्लस जो भी लेटेस्ट पीरियोटिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा चल रहा होगा वो और अगर इस सब झंझटों से भी अगर बचना है कि यार छोड़ो मुझे नहीं लिखना कंपेरिजन वगैरह इतना कौन ही याद करे मुझे लेट, लेटेस्ट चीज चाहिए तो मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ जिस भी साल पेपर है उस साल का बस इकोनॉमिक सर्वे कंठस्थ तरीके से याद कर लो आपको ये कुछ आंकड़े देखने की जरूरत नहीं है बस आपकी बुक्स में जैसे इस वाली बुक में जितना भी दे रखा है उतना मोर देन एनफ इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है जब इसका फोर्थ एडिशन आएगा तो मैं उससे कुछ लेक्चर बना दूंगा कि कुछ कुछ चीजें जो जो हर चैप्टर में कुछ ऐड करी गई हैं डिलीट करी गई हैं वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं नितिन सिंहानी इंडियन इकोनॉमी के फोर्थ एडिशन से आपको दे दूंगा लेकिन फोर्थ एडिशन अभी नहीं आने वाला एक साल तक ठीक है बात करते हैं जो नया सर्वे आया पेरियोटिक लेबर फोर्स सर्वे ठीक है ये जो ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इसके इसके प्लेस पर लेबर फोर्स सर्वे आ गया और ये लेबर फोर्स सर्वे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने लॉन्च करा है ठीक है क्योंकि इस वाले को तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सरकार के द्वारा ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको हर साल कंडक्ट करा जाता है ठीक है दिक्कत क्या थी इसकी मैंने बताया ना आपको पांच साल और ये एनुअल बेसिस पर एवरी ईयर ताकि हमें लेबर स्टेटिस्टिक्स के एस्टिमेट्स मिल सकें और उन एस्टिमेट्स को निकालने के लिए वॉट आर वेरियस स्टेटिस्टिकल इंडिकेटर्स उनको हम सब शामिल कर सकें दिक्कत क्या थी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे की वो हर पांच साल में एक बार कंडक्ट होता था लेकिन यह हर हर साल कंडक्ट होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लेबर फोर्स सर्वे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कंडक्ट करा जाता है जैसा कि हमने ऊपर भी देखा ठीक है यहां पर अंडर आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हम इसको शॉर्ट में मोसपी बोलते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था ठीक है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है उसको कंडक्ट करा जाता था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये याद रखना भले ही ये डिसकंटिन्यू हो गया दोस्तों लेकिन इसके आंकड़ों आंकड़ों को आखड़ों को भी आप हटा दो के से लेकिन यह वाली स्टेटमेंट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे प्लस लेबर फोर्स सर्वे इसकी दो या फिर चार स्टेटमेंट अलग अलग फॉर्म में आपको में देखने को मिल सकती हैं और एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपका गलत करवा सकता है ट्रैप बिछा सकता है वो ये मिनिस्ट्री के अंदर बिछा सकता है ऊपर नीचे कर देगा दोनों की दोनों मिनिस्ट्री को ठीक है और ये साल भी बदल सकता है कि ये एम्प्लॉयमेंट अन्प्लॉयमेंट सर्वे हर दो साल में एक बार कंडक्ट होता था और पीरियडक लेबर फोर्स सर्वे हर एक साल में कंडक्ट होता है तो ऐसे करके चार स्टेटमेंट आ सकती है वन ओनली वन एंड थ्री ओनली वन थ्री एंड फोर ओनली नन ऑफ द अबव वन ऑफ दी अबव ऐसे करके बन सकता है कुछ भी क्वेश्चन ठीक है तो उस पर ध्यान रखना थोड़ा सा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और फिर यही क्वेश्चन लोगों को चैलेंजिंग लगते हैं लेकिन आपके लिए नहीं होंगे और सिर्फ यू पी एस सी में नहीं किसी एग्जाम में इकोनॉमिक्स और एन्वायरमेंट आपके लिए अब चैलेंजिंग नहीं होने वाली है पहला जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट करा गया ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है दो हज़ार पंद्रह सोलह तक जब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जब आया उसके आंकड़े निकले उसके एक साल के अंदर अंदर सरकार ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और पी एल एफ एस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जब सरकार लेकर आती है तो इसको कंडक्ट करवाना शुरू कर करा गया इस सर्वे को 2017-18 से एग्जैक्ट अगर प्रिसाइस तरीके लो से लोग बात करें जुलाई दो से लेकर जून दो तक यहाँ पर क्राइटेरिया यूज करा गया एज एजुकेशन लेवल्स ऑल्सो ताकि हम लोग स्ट्रेटिफाई कर सके स्ट्रेटिफाई का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग करना टॉप लेयर मिडल लेयर बॉटम लेयर ऐसे करके हमने यहां पर मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करा ठीक है इस मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ क्राइटेरिया यूज करा जाता था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के अंतर्गत तो जो मैं आपसे क्वेश्चन ऊपर बोल रहा हूं जो चार स्टेटमेंट वाला पांच स्टेटमेंट वाला तीन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो बन सकता है इनमें ये सारी बातें आ सकती हैं कि पेरियो लेबर फोर्स सर्वे के अंदर एजुकेशन लेवल को यूज करा जाता है और इससे पहले जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता था उसमें मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज करा जाता था मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग जानते ही हो है ना पर per पर्सन की कमाई एक महीने के अंदर उसका घर खर्च वगैरह सब कुछ निकाल कर करके कितना उसके पास बच रहा है बच भी नहीं बच बच रहा भी है कि नहीं भी बच रहा है ऐसा तो नहीं है कि आमदनी अटनी खर्चा रुपया है पचास पैसे की कमाई और एक रुपये का खर, खर्च हो जा रहा है ऐसा तो नहीं है कोई कर्ज तो नहीं हो रहा है उस कमाई की वजह से वो कमाई की पूर्ति पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के अंदर देखी जाती थी लेकिन यहाँ पर पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर एजुकेशन लेवल को देखा जाता है आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि सर ये एजुकेशन लेवल को क्यों देखा जाता है ये वो करने के लिए क्योंकि देखो हमारे देश की 2017-18 में वास्तविकता रियलिटी ये देखी गई सरकार के द्वारा ऑब्वियस ऑबी बात है जब इसको रिप्लेस करके सरकार ये लेकर आ रही है तो ये देखा गया कि देखो जो पर्सन जितना एजुकेटेड है ना तो उसका उतने ही बेटर चांसेस है कि कहीं ना कहीं वो रोटी एक अच्छे लेवल पर खा रहा होगा मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो बताओ हम लोग कितना भी वो कर ले, लेकिन एक अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है है ना लेकिन उसको एज कंपेयर टू बिल्कुल भी जो स्कूल नहीं गया उसके कंपैरिजन में तो कहीं ना कहीं वो अच्छा फिट हो सकता है ना हाँ वो तीन कंडीशन तो दोनों के लिए होनी चाहिए फिफ्टीन टू सिक्सटी ईयर्स का वो हो विलिंग हो और फिजिकली एंड मेंटली फिट हो जो कि ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के अंदर आती ही आती हैं सारी चीजें ठीक है लेकिन मुझे एक बात बताओ एजुकेशन लेवल एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है कि आपका ज्यादा बेटर आ, क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो बताओ कोई पर्सन ये कह सकता है कि मैं बिना ग्रेजुएशन करे आई बन गया बताओ नहीं ना तो इसको ये चीज देखी गई है ठीक है उसके बाद पांच साल वाला बंद हो गया डिसकंटिन्यू करती है सरकार ने इसे अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अब हो सकता है कि कोई और सरकार किसी और पार्टी की बने तो वो लेबर फोर्स सर्वे को के दोबारा उसको करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा चल जाता है ना कि अब देखो यहां पर लिखना सिर्फ बुक में एक इकोनॉमिक एंगल होता है लेकिन फिर बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल होते हैं जैसे करंट गवर्नमेंट आपको पता है वो क्या करते हैं कि कांग्रेस की जितनी स्कीम्स उनके uh, नेहरू जी के नाम पे इंदिरा गांधी जी, जी के नाम पे जो स्कीम्स थी उसको डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं सड़कों के नाम चेंज करने की कोशिश करते हैं ये सिर्फ इस वजह से ताकि अपनी छाप छोड़ के चले जाए वो थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी होता है मतलब लेकिन ये बुक्स रिवील नहीं करती ना इसको और रिवील नहीं करती तो इसका मतलब ये भी होता है कि हमें एग्जाम में कभी भी ऐसी बातें नहीं लिखनी होती हैं रियलिटी हम बहुत कुछ जानते हैं अब एक बताओ हम जैसे कोई ऐसे लिख रहे हैं तो हम कहते हैं ना ऑप्टमिस्टिक कंक्लूजन लिखो ऐसा होना चाहिए वैसा करना चाहिए अब मन के अंदर हम खुद भी जानते हैं घंटा होगा क्या ऐसा एग्ज़ाम ना होता तो मैं सारी पोल पट्टी खोल के रख देता नहीं आता मन के अंदर बताना ना ज़रा ये चीज़ होती है ठीक है उसके बाद बात करते हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हाँ ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया फॉर द सर्वे और जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करा गया फॉर द सर्वे उसको यूज़ करा गया बाई यूजिंग वर्ल्ड बैंक कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग सोलूशन प्लेटफॉर्म एक चीज़ का यूज़ करा गया एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करा गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये चीज़ है और ये चीज़ आपको प्लेंस में भी आ सकती है कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म यह किसका है वर्ल्ड बैंक का है आई का है डब्ल्यूटी का है यूनाइटेड नेशंस का है किसका है ठीक किस है थीके? ये चीज़ आप याद रखना और पेरियाटिक लेबर फोर्स सर्वे में जब हम लोग टेक्नोलॉजी की अगर हमें मदद चाहिए होती है प्रसाइज वे में डेटा कलेक्शन के लिए अगर हमें एक प्रॉपर प्रोसेस और एक कुछ मॉड्यूल चाहिए तो उसके लिए हम लोग सी ए पी आई कैपी को यूज़ करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड बैंक का एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क है जिसकी वजह से डेटा कलेक्शन अंडर पेरियोटिक लेबर फोर्स सर्वे ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है अगेन इफ़ यू आस्क मी क्या है कैसे वर्क करता है तो भैया ना कोई साइंस ऑप्शनल तो वैसे होता नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है हमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें मास्टरी नहीं करनी है किसी चीज़ पे ठीक है अब ऐसे तो हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो आप मुझसे पूछने लगोगे रॉकेट कैसे बनता है इसके अंदर क्या, क्या क्या पुर्जे फिट कर रखे हैं लाल तार कहाँ पर, पर लगाई जाती है नीली तार कहाँ पर लगाई जाती है भैया मैं क्या जानूँ नासा में आई में थोड़ी ना काम कर रहा हूँ मैं तो इट हैज़ बीन अ मेजर इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस इन द पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नेशनल सैंपल सर्वे ठीक है ये चीज़ कभी भी एम्प्लॉयमेंट एनवेंट सर्वे में नहीं करी गई यानी कि आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के यूज में और प्रिसाइज डेटा कलेक्शन के मामले में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे थोड़ा सा बैकवर्ड था लेकिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर डेटा प्रिसाइज रहे टू द पॉइंट रहे एक्यूरेट रहे इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गई एजुकेशन लेवल को लेकर आना टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना कैपी को यूज़ करना और वर्ल्ड बैंक के द्वारा अगर यूज़ करा जा रहा है किसी एक सोल्यूशन प्लेटफॉर्म को किसी एक टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क को तो आप समझ सकते हो कि उसकी प्रिसाइजनेस ज़्यादा है हम चाहते तो अपने देश में भी कुछ वो कर सकते थे लेकिन फिर वही वाली बात होती ना मयूर सरकार को पता होता है ऐसे आंकड़ों में पता चला कोई टैबलेट चलाना जानता हो कि नहीं जानता हो जो घर पे जाके लैपटॉप या फिर कोई रिकॉर्ड कर लेकर ले आ रहा है रास्ते में रुके फ्रूटी पीने लग गया छोले भटूरे खाने लग गया अपने मन से डेटा रजिस्टर कर दिए तो ये सब चीजों को मिटाने के लिए ये सब चीजें मतलब करी गई ठीक है अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है इट जनरेट्स टू टाइप्स ऑफ डेटा ठीक है हाँ बताओ बताओ नहीं 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 मैं एक वो तो मैं एक मजाकिया तौर पे कह रहा हूं कि मतलब इसका इसका टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क होता होगा कि मतलब पर्सन जो कंडक्ट भी करने जा रहे हैं उनसे भी कोई गलती ना हो सके बंदा मैं कह रहा हूं हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि घर पे रजिस्टर और पेन कॉपी लेने वाले वो अपने मन से भी जैसे गए नहीं सोसाइटी में उनको बोला कि घर घर जाके बिल्डिंग बिल्डिंग जाके वो घर बंदा तीन दिन से आ रहा वगैरह ऑफिस के लिए निकल गए ऑफिस के लिए निकल गए ऑफिस के लिए निकल गए उसने जो डांट पड़ेगी अभी मिनिस्ट्री में जाकर खुद भर दिया लेकिन यहां पर प्रॉपर होता होगा ना कि आधार कार्ड की उसकी फोटो लेकर आना ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो लेकर आना उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर कर लेकर आना उससे साइन करवाना अपने ये फोन या उस पर कंप्यूटर पे जो है डिजिटल सिग्नेचर करवा कर लेकर ले कर आना उससे रिकॉर्ड कर कर आना ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह वो करके है ना हार्श होती है तो ये चीज देखी जाती है इसलिए हमारे देश का कुछ ना यूज करके वर्ल्ड बैंक का यूज करा हमने ये चीज है बस ये बताना चाह रहा हूं ठीक है डिटेल में कभी डिग इन मत करना कभी इस सर्च मत करना देखो कई लोग ये पूछते ना कि एग्जाम के अंदर आ, सर कितना डीप जाना होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का अक्सर सर सवाल होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हर टॉपिक में सर कितना डीप डिगिन जाना है तो देखो ये आपके सामने एक रियल बेस्ड सिचुएशन है कि जब मैंने ये बोला कि इसको आपको सर्च नहीं करना यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम इतनी देर में कुछ और पढ़ सकते हो क्योंकि नहीं है ये काम का और ये हम कैसे कह सकते हैं फिर पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो दो तरह के डेटा जनरेट करता है मैं आपको बता रहा था क्वार्टरली डेटा क्वार्टरली मतलब कितना टाइम थे मतलब तो ट्रेडर्स तो ये बताइ दो यार चार महीना चार महीना है क्वार्टरली चार महीना होता है अब कह रहा तुम मुझसे सिखा दो फ्यूचर दोनों ऑप्शन क्वार्टरली डेटा ठीक है क्वार्टरली डेटा ऑन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फॉर ओनली अर्बन एरियाज और इसको जो है जो ये डेटा जनरेट करा जाता है ये करंट वीकली स्टेटस पर हमने मेथड पढ़े थे ना यूपीएस सी डब्ल्यू एस सी तो ये करंट वीकली स्टेटस पर क्वार्टरली डेटा निकाला जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्टेटस पर और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर लेकिन ये वाला सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए निकाला जाता है और अर्बन एरियाज में भी कौन सा यूज कर जाता है आउट ऑफ द थ्री मेथड लाइक यूपी यूपीएस सी डब्ल्यू एस सी डी एस उसमें से इसको प्रेफरेंस दी जाती है और अगर मैं ये दिखा दूं करंट वीकली स्टेटस नाम से ये पता लग रहा है कि वीकली वाला एंगल है इसके अंदर तो ये करंट वीकली स्टेटस के अंदर हम लोग रेफरेंस पीरियड सात दिनों को पिछले एक हफ्ते को लेते हैं उस डेट से जिस डेट पर सर्वे जो है वो कंडक्ट होना है उससे एक हफ्ते पूरा पूरा पहले ठीक है यहां पर एक चीज हमने पढ़ी थी एक पर्सन को एम्प्लॉयड तब मान लिया जाएगा इवन इफ डैट पर्सन इफ ही और शी अगर वो एक दिन के लिए भी एम्प्लॉयड है ड्यूरिंग डैट वन वीक पीरियड फॉर एटलीस्ट वन आवर ऑल्सो ठीक है यह और यहां पर परसेंटेज निकल निकलकर आता है वो काफी हायर निकलकर आता है ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में ओके okay? उसके बाद एनुअल डेटा हर साल टू मेजर द लेबर फोर्स एस्टीमेट्स ऑन की पैरामीटर्स इन बोथ यूजुअल स्टेटस फिर चाहे वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस हो या फिर वो यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस हो प्लस सी को भी यूज कर जाता है और ये चीज आप क्योंकि एनुअल बेसिस पे निकल रही है तो किसी एक एरिया को छोड़ तोड़ियां ना देंगे हम लोग रूरल एरियाज में भी अर्बन एरियाज में भी अब आपको दिक्कत ये आई होगी सर ये यूजुअल स्टेटस ये क्या लिखा हुआ है तो देखो इसके बारे में हमने बात करी थी एक बॉक्स में कि ये यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस भी हाँ आपको बताता हूँ यहां पर गया हम्म ये हमने पढ़ा था ना यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस ठीक है सब्सिडरी वाला भी और नॉर्मल वाला भी तो ये पी एस और ये एस एस डी इसके बारे में हमने बात करी थी ठीक है एक तो होता है सिर्फ ये यूजल प्रिंसिपल स्टेटस और ये सब्सिडरी स्टेटस और हमने देखा था कि थोड़ा सा प्रसाइज हो जाता है ठीक है ये ज़्यादा इंक्लूसिव होता है ठीक है इसको देखा जाता है कहाँ क्या और दोनों के लिए एनुअल बेसिस पे निकलता है तो दोनों एरियाज के लिए अर्बन भी और रूरल भी की फाइंडिंग्स क्या निकले हैं 2019-20 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के एनुअल रिपोर्ट में जिसको रिलीज करा गया मिड 2021 में आफ्टर कोविड ठीक है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट फेल टू फोर ड्यूरिंग दो ड्यूरिंग दो हजार फ्रॉम द प्रीवियस फाइव पूरा का पूरा एक परसेंट गिर गया एक साल पहले की कंपैरिजन में 2018-19 की कंपैरिजन में बात करें अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गिर गया तो शहरों में कितना गाँव में कितना शहरों में जो बेरोजगारी के आंकड़े जो गिरे हैं और वो गिरे हैं मतलब दोनों जगह गिरे हैं ओवरऑल तो गिरा ही है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट तो वो शहरों के अंदर कितना सात परसेंट हुआ करता था ठीक है सॉरी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट हुआ करता था वो सात परसेंट पर आ गया और गांव में पांच परसेंट हुआ करता था वो चार परसेंट पे आ गया ठीक है ये चीज याद रखना। उसके अच्छी बात है ना तो ये बढ़ गया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट हुआ करता था अठारह उन्नीस में लगभग तीन परसेंट ढाई परसेंट बढ़ गया चालीस परसेंट हो गया दो हजार उन्नीस बीस में फीमल फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इट ऑल्सो इंप्रूव ये आ गया पहले था 18% परसेंट दो हजार में और 19 बीस में 22.8% परसेंट हो गया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये भी इंक्रीज हो गया पहले ये था 35% परसेंट अठारह उन्नीस में और ये 39% परसेंट हो गया 38.9 ऑलमोस्ट 39% परसेंट है ठीक है अब खुश होने वाली बात नहीं है ये सारे इंक्रीज हो गए क्योंकि ये आंकड़े इन्होंने सरकार ने रिलीज करी रिपोर्ट, है रिपोर्ट ठीक है उन्नीस बीस का पीरियडिक लेबर फोर्स एनुअल रिपोर्ट थी कोई बात नहीं अभी आगे की देखना जब आपको किसी करंट अफेयर की कंपालेशन में दिखेगी इसके बाद बीस इक्कीस की देखेंगे कोविड वाली ठीक है तब ये सारे के सारे जितने ऑल टाइम हाई दिख रहे हैं ना ये सब नेगेटिव रेट पैरामीटर्स में दिखेंगे माइनस माइनस में देखेंगे कुछ कुछ तो आपको हाँ है ना हाँ मिड मिड ट्वेंटी और देखो मैं इसलिए आपको बताता हूं लिखना नहीं है कभी भी ऐसी थिंकिंग मत लेकर आया करो वरना आपका पता है सब्जेक्ट की क्यूरियसिटी उठ जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ कभी ऐसी थिंकिंग लेकर मत आना अपने आप पे कंट्रोल रखा करो कोई भी पहली बात तो आपका पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए लेकिन अब थोड़ा सा अगर जब चीज़ों को हम नजरअंदाज ना कर सके अगर आप ध्यान से अगर ये देखो ये जान के मैं ट्वेंटी के अंदर क्यों रिलीज करा गया इस चीज़ को और एक बार बताओ जब ऐसी चीज़ें रिलीज होंगी तो अब जो देखने वाले हैं जो उस टाइम पर परेशान चल रहे हैं कोविड रिकवरी से जूझे हैं भगवान ना करे किसी के घर पे कोई पर्सन जो है वो जो था खत्म हो गए थे मतलब उसके बाद अगर ये सब चीजें आ रही हैं कि नहीं जी अठारह लोगों ने ये तो देखा ही नहीं है उनको क्या पता लोगों को ये चीज़ के लेबर सर्वे, क्या होती है क्या नहीं होती है लोग तो रोजगारी बेरोजगारी पढ़ते हैं पेपरों के अंदर बस ठीक है जनरल इंसान ठीक है जो सुबह चाय पीते हुए जब अखबार पढ़ता है अब जब उस टाइम पर कोविड महामारी से एक साल के बाद काम नहीं है धंधा नहीं है आत्महत्या करने पे जीवन उतर आया उस टाइम पर ऐसे आंकड़े आए अर्पित साहब ने ये बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है शहरों में भी कम हो गया गांव में भी कम हो गया फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया तीन तीन परसेंट चार चार परसेंट से बढ़ रहे हैं तो एक बात तो है लोगों को खून नहीं खोलेगा लोगों का बीपी ऊपर नीचे नहीं होगा लोगों का ब्लड प्रेशर लेकिन वही वाली बात है और फिर आगे की रिलीज करो ना तब दिखाओ फिर आंकड़े असली वाले तो हमारा दोस्तों थर्ड पिलर भी जो है इस चैप्टर का जो कि नाम था पॉवर्टी इन इक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको मैंने बड़ी प्यारी सी थंबनेल के अंदर गाली दे रखी है ठीक है तो ये तीनों पिलर जो है हमारे ख़त्म हो गए हैं ठीक है मैंने बोल रखा भाग साले भा, नहीं चल बे ऐसा कुछ बोल रखा ना चल भाग बे तो ये तीनों खत्म हो गए तो इसके बाद हमारे कुछ रह गए हैं और फ्रेंच एरियाज के एक दो टॉपिक और रह गए हैं चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है उसको हम देखेंगे जैसे दोस्तों ये कुछ कुछ बातें हमारी करना बाकी रह गई हैं रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन स्टेटस ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया इसके अलावा ये कैजुलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और जो यूपीएससी ने 2016 में आसपास ये क्वेश्चन पूछा था एक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जॉबलेस ग्रोथ का एक फंडा है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा इसके हाँ ये इसके बारे में भी हम हम डिस्कस करेंगे ठीक है जॉबलेस ग्रोथ का कंसेप्ट है इसके बारे में यूपीएससी मेस में एक बार पूछ चुका है तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही हमारे वैसे तीनों पिलर्स इस चैप्टर के जो कोर हैं वो खत्म हो गए पॉवर्टी इन एंड एम्प्लॉयमेंट कुछ अदर टॉपिक्स जो रह गए हैं जो कि आपकी आंसर राइटिंग और बेटर बना सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन